जहां दोस्तों वर्ल्ड कप के अपने पहले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को कुचलने के बाद अब बारी है दूसरे मुकाबले में अफगानिस्तान को हराने की, जिसके लिए कोच राहुल द्रविड़ ने कप्तान रोहित शर्मा के साथ मिलकर भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में भी बड़ा बदलाव कर दिया है और ऐसे ऐसे खतरनाक और भूखे शेरों को मौका दिया जो इस मुकाबले में अफगानिस्तान टीम को बुरी तरह से कुचल कर रख देंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में बताने वाले हैं कि भारत और अफगानिस्तान के बीच ये मुकाबला कब, कहां और कितने बजे से खेला जाएगा और इस मुकाबले के लिए क्या रहने वाली है अफगानिस्तान के खिलाफ भारतीय टीम की खतरनाक प्लेइंग 11। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भारतीय टीम इस मुकाबले में अफगानिस्तान को धूल चटा कर रख दे तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। दोस्तों जैसा कि आप सभी तो जानते हैं कि भारतीय टीम ने वर्ल्ड कप का आगाज शानदार तरीके से किया है, जहां भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप के अपने पहले मुकाबले में 6 विकेट से हरा दिया था और अब भारतीय टीम वर्ल्ड कप के अपने दूसरे मुकाबले में अफगानिस्तान के खिलाफ मुकाबला खेलने वाली है। दोस्तों बता दें कि भारत और अफगानिस्तान के बीच ये मुकाबला 11 अक्टूबर को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा जो कि भारतीय समय अनुसार दोपहर में 2 बजे से शुरू होगा। दोस्तों आंकड़ों के लिहाज से अफगानिस्तान की टीम भारतीय टीम के सामने बहुत ही कमजोर टीम मानी जाती है, लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि भारत और अफगानिस्तान के बीच जब भी कोई मुकाबला खेला जाता है तो उस मुकाबले में हमें दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिलती है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 2019 वर्ल्ड कप में जब भारत और अफगानिस्तान के बीच मैच खेला गया था तो उस मैच में अफगानिस्तान की टीम ने भारतीय टीम को लगभग हरा ही दिया था और उस मुकाबले में अफगानिस्तान ने भारतीय टीम को कड़ी टक्कर दी थी। ऐसे में कप्तान रोहित शर्मा इस मुकाबले में अफगानिस्तान टीम को हल्के में लेने की गलती बिल्कुल भी नहीं करना चाहेंगे और कप्तान रोहित शर्मा इस मुकाबले में अपनी सबसे बेस्ट प्लेइंग 11 के साथ मैदान में उतरेंगे। दोस्तों बता दें कि इससे पहले जब भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्ल्ड कप का पहला मुकाबला खेला गया था तो उस मुकाबले में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए उस मुकाबले को 6 विकेट से जीत लिया था। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबले में भारतीय गेंदबाजों का प्रदर्शन तो शानदार रहा था, लेकिन बल्लेबाज उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए थे और टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज उस मुकाबले में पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुए थे, जहां शुरुआती तीनों बल्लेबाजों के विकेट एक के बाद एक गिरते चले गए और भारतीय टीम ने सिर्फ 2 रनों पर ही अपने तीनों ओपनर बल्लेबाजों का विकेट गंवा दिया था, जिसके बाद विराट कोहली और केएल राहुल संकट मोचन बनकर मैदान पर उतरे और जिसकी वजह से भारतीय टीम उस मुकाबले को जीत पाई। लेकिन दोस्तों अब वर्ल्ड कप के दूसरे मुकाबले में भारतीय टीम का सामना अफगानिस्तान की टीम से है, जिसके लिए कोच राहुल द्रविड़ और कप्तान रोहित शर्मा ने मिलकर भारतीय टीम की प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। तो आइए दोस्तों अब जानते हैं कि इस मुकाबले में अफगानिस्तान के खिलाफ भारतीय टीम की फाइनल प्लेइंग 11 क्या होने वाली है। तो दोस्तों ओपनिंग जोड़ी की बात करें तो पिछले मुकाबले में सुमन गिल बीमारी के चलते नहीं खेल पाए थे और टीम इंडिया की तरफ से जो ऑफिशियल अपडेट आ रही है उसके मुताबिक अफगानिस्तान के खिलाफ भी मुकाबले में सुमन गिल नहीं खेलने वाले हैं और भारतीय टीम मैनेजमेंट ने इस मुकाबले में भी सुमन गिल को रेस्ट देने का फैसला लिया है और ऐसे में अफगानिस्तान के खिलाफ एक बार फिर से हमें कप्तान रोहित शर्मा और ईशान किशन ही पारी की शुरुआत करते हुए नजर आने वाले हैं। दोस्तों रोहित शर्मा की बात करें तो कप्तान रोहित शर्मा वनडे फॉर्मेट के सबसे बड़े बल्लेबाजों में से एक हैं, लेकिन दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रोहित शर्मा का बल्ला बिल्कुल भी नहीं चला था और वो खाता भी नहीं खोल पाए थे। लेकिन दोस्तों कोच राहुल द्रविड़ का कहना है कि कप्तान रोहित शर्मा एक बार आउट हो गए तो इसका मतलब ये नहीं कि वो एक बढ़िया खिलाड़ी नहीं है। रोहित शर्मा टीम इंडिया के कप्तान है और उन पर एक बड़ी जिम्मेदारी है और पिछले मुकाबले में ईशान किशन के आउट हो जाने के बाद कप्तान रोहित शर्मा पर दबाव आ गया था और रोहित शर्मा उस दबाव को झेल नहीं पाए और अपना विकेट गंवा बैठे, लेकिन अब उम्मीद है कि अफगानिस्तान के खिलाफ कप्तान रोहित शर्मा अच्छा प्रदर्शन करेंगे। दोस्तों रोहित शर्मा को हिटमैन ऐसे ही नहीं कहा जाता और पिछले कुछ समय से कप्तान रोहित शर्मा ने ओपनिंग करते हुए जिस तरह का प्रदर्शन दिखाया है और जिस तरह की लय और फॉर्म में नजर आए कप्तान रोहित शर्मा, उस फॉर्म को अफगानिस्तान के खिलाफ भी बरकरार रखना चाहेंगे। उसके बाद दोस्तों नंबर 2 की बात करें तो सुमन गिल अभी पूरी तरह से फिट नहीं है, इसलिए नंबर 2 पर अफगानिस्तान के खिलाफ भी ईशान किशन ही खेलते हुए नजर आने वाले हैं। हालांकि दोस्तों पिछले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ईशान किशन का बल्ला नहीं चला था और ईशान किशन पहली गेंद पर बिना कोई रन बनाए आउट हो गए थे, लेकिन दोस्तों ईशान किशन भी जबरदस्त बल्लेबाज हैं और तीनों फॉर्मेट में ईशान किशन का बल्ला खूब चलता है और जैसा कि हमने एशिया कप में भी देखा था कि जब टीम इंडिया के सभी खिलाड़ी फ्लॉप हो गए थे तब ईशान किशन ने भारतीय पारी को संभालने की जिम्मेदारी ली थी और कमाल का प्रदर्शन करके दिखाया था। और ऐसे में दोस्तों टीम इंडिया को अफगानिस्तान के खिलाफ मुकाबले में ईशान किशन से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी। जबकि दोस्तों नंबर 3 पर किंग कोहली खेलते हुए नजर आएंगे। दोस्तों विराट कोहली मिडिल ऑर्डर के जबरदस्त बल्लेबाज हैं और पिछले मुकाबले में भी हम सभी ने देखा कि किस तरह जब भारतीय टीम 2 रन पर ही अपने 3 विकेट गंवाकर मुश्किलों में फंस चुकी थी तब विराट कोहली ने केएल राहुल के साथ मिलकर जिस तरह से भारतीय टीम को संभाला वो काबिले तारीफ है। विराट कोहली ने इस मुकाबले में पहले तो अपना अर्धशतक पूरा किया, उसके बाद 85 रनों की काफी शानदार पारी खेली। हालांकि विराट कोहली इस मुकाबले में अपने शतक से चूक गए थे, लेकिन दोस्तों अब अफगानिस्तान के खिलाफ विराट कोहली शतक लगाते हुए भी नजर आने वाले हैं। वहीं दोस्तों नंबर 4 की बात करें तो नंबर 4 पर एक बार फिर से श्रेयस अय्यर को खेलने का मौका दिया गया है। दोस्तों पिछले कुछ समय से श्रेयस अय्यर का प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा है और पिछले मुकाबले में भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ श्रेयस अय्यर बिना खाता खोले ही आउट हो गए थे, लेकिन दोस्तों श्रेयस अय्यर मिडिल ऑर्डर के तगड़े
बल्लेबाज माने जाते हैं और अब उम्मीद है कि अफगानिस्तान के खिलाफ सिरेश अय्यर अपनी खोई हुई फॉर्म को हासिल करेंगे। और जिस तरह से सिरेश अय्यर ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ओडीआई सीरीज में शतक लगाया था, कुछ इस तरह की अफगानिस्तान के खिलाफ भी पारी खेलेंगे। जबकि दोस्तों नंबर 5 पर जबरदस्त विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल खेलते हुए नजर आएंगे। दोस्तों केएल राहुल भी काफी कमाल के खिलाड़ी हैं और पिछले मुकाबले में विराट कोहली के साथ मिलकर केएल राहुल ने भारतीय टीम की जीत में अहम योगदान दिया था और 97 रनों की काफी विस्फोटक पारी खेली थी। दोस्तों पिछले कुछ मुकाबलों से केएल राहुल का प्रदर्शन काफी जबरदस्त रहा है और नंबर 5 पर आकर केएल राहुल ने मिडिल ऑर्डर में काफी कमाल की पारियां खेली हैं और पिछले मुकाबले में भी केएल राहुल ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 97 रनों की काफी शानदार पारी खेली थी। हालांकि इस मुकाबले में केएल राहुल अपने शतक से चूक गए थे और वहां पर अगर हार्दिक पांड्या छक्का नहीं मारते तो शायद केएल राहुल का शतक भी पूरा हो सकता था। लेकिन दोस्तों अब अफगानिस्तान के खिलाफ भी केएल राहुल से ऐसे ही पारी की उम्मीद रहेगी। उसके बाद दोस्तों नंबर 6 पर हरफन मौला खिलाड़ी और जबरदस्त ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या खेलते हुए नजर आएंगे। दोस्तों हार्दिक पांड्या भी जबरदस्त खिलाड़ी हैं जो कि अपनी गेंद और बल्ले से कमाल का प्रदर्शन दिखाते हैं। दोस्तों पिछले मुकाबले में हार्दिक पांड्या ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ गेंदबाजी में थोड़ा सा महंगे जरूर साबित हुए थे, हालांकि एक विकेट लेने में कामयाब रहे थे, लेकिन केएल राहुल के साथ मिलकर बल्लेबाजी काफी कमाल की थी और 8 गेंदों का सामना करते हुए 11 रन बनाए थे। जबकि दोस्तों नंबर 7 पर एक और जबरदस्त ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा खेलते हुए नजर आएंगे। दोस्तों रविंद्र जडेजा भी काफी खतरनाक बल्लेबाज हैं जो अपनी बल्लेबाजी के अलावा गेंदबाजी से किसी भी बल्लेबाज की धज्जियां बिखेर कर रख सकते हैं और जैसा कि पिछले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी हमने देखा, ऑस्ट्रेलिया जो कि दुनिया की सबसे मजबूत टीमों में से एक है, रविंद्र जडेजा ने कैसे ऑस्ट्रेलिया की मजबूत बैटिंग लाइनअप को पूरी तरह से धराशायी कर दिया और अब अफगानिस्तान के खिलाफ भी रविंद्र जडेजा से ऐसे ही प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी। जबकि दोस्तों नंबर 8 पर इस मुकाबले में हमें एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि चेन्नई की पिच पर स्पिनर्स को काफी ज्यादा मदद मिल रही थी, इसलिए भारतीय टीम 3 स्पिनर के साथ उतरी थी, लेकिन दिल्ली की पिच पर तेज गेंदबाजों को ज्यादा मदद मिलती है और ऐसे में इस मुकाबले में हमें रविचंद्रन अश्विन की जगह शार्दुल ठाकुर खेलते हुए नजर आ सकते हैं। दोस्तों शार्दुल ठाकुर एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो नंबर 8 पर आकर गेंदबाजी के अलावा बल्लेबाजी में भी जबरदस्त प्रदर्शन कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों टीम इंडिया के पास यहां पर मोहम्मद शमी का भी ऑप्शन मौजूद है। जबकि दोस्तों नंबर 9 पर खतरनाक स्पिनर और चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव खेलते हुए नजर आएंगे। दोस्तों कुलदीप यादव ने भी पिछले मुकाबले में काफी कमाल का प्रदर्शन दिखाया था। कुलदीप यादव काफी जबरदस्त गेंदबाज हैं और अगर स्पिन ट्रैक मिल जाए तो कुलदीप यादव काफी खतरनाक साबित होते हैं और पिछले मुकाबले में भी हमने देखा कि किस तरह ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज कुलदीप यादव के सामने एक एक रन बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। कुलदीप यादव ने इस मुकाबले में शानदार गेंदबाजी करते हुए 2 विकेट भी अपने नाम किए थे। जबकि दोस्तों तेज गेंदबाजी की बात करें तो नंबर 10 और 11 पर जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज खेलते हुए नजर आएंगे। दोस्तों दोनों ही बहुत ही खतरनाक गेंदबाज हैं। जसप्रीत बुमराह की बात करें तो जसप्रीत बुमराह दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज है और पिछले मुकाबले में भी जसप्रीत बुमराह ने ऑस्ट्रेलिया टीम को शुरुआती ओवर से ही बांध कर रख दिया था और उस मुकाबले में 2 विकेट भी चटकाए थे। जबकि मोहम्मद सिराज ने भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1 विकेट लिया था। हालांकि दोस्तों मोहम्मद सिराज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबले में उस लय में नजर नहीं आए थे, लेकिन अब अफगानिस्तान के खिलाफ मोहम्मद सिराज से और भी अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी। तो दोस्तों अफगानिस्तान के खिलाफ भारतीय टीम की प्लेइंग 11 कुछ इस तरह से नजर आने वाली है। तो ऐसे में आप सभी को क्या लगता है, क्या भारतीय टीम इस मुकाबले में अफगानिस्तान को हरा पाएगी या नहीं? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।